आप कुछ खाएंगी? हम सोच रहे हैं आपके लिए कुछ लेते हैं, आपने कुछ खाया नहीं। हाँ हाँ हमें चाहिए ना, हमें ना वो मंगलू चाचा की दुकान से ना कैरी खाने का बहुत मन है, ले आइए जल्दी से जाके। कैरी खाने में? कैरी खाएंगी? हाँ आपने पूछा तो हमने बता दिया, अब ज्यादा आना खानी मत कीजिए। हमें कैरी खानी तो हमें कैरी खानी है, इतना दर्द हो रहा है। सुनिए आपके मिसेस को कैरी खाने की भूख क्यों लगी है ये तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। हेलो। हेलो पापा जी, हम बोल रहे हैं, वो आप हमें 10 मिनट के अंदर अंदर सिटी हॉस्पिटल मिलने आ सकते हैं, रूम नंबर 701। अस्पताल में सब ठीक है ना? देखिए अभी हमारे पास समझाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, आप बस जल्दी से आ जाइए। ठीक है मैं आता हूँ। आपको किसी कीड़े ने नहीं काटा है, ये सिर्फ एक नीली शाही है। हम जानते हैं, लेकिन आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती। मैं साल पापा जी, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के याद में इतने सालों तक आंसू बहाती रही, चार बेटे अपने बाप के बिना पल बढ़ के बड़े हो गए, और बीवी अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ती रही ताकि वो अपने बच्चों को इज्जत से पाल सके। इतना सब कुछ हो गया और अब जिंदा थे पापा जी, अब आखिर क्यों इतने सालों तक अब घर नहीं लौटे? क्योंकि मैं निहायत ही गिरा हुआ आदमी हूं, ना तो मैं बेटा बन पाया और ना ही ढंग का पिता, पर भगवान मेरे जैसा पति तो किसी को ना दे। लेकिन साहब मेरे बच्चों के पास माँ है, और आज से ना तो मेरे बच्चों को बाप की जरूरत है, ना ही मेरे सास को उनके बेटे की। आज से ये गवार बदसूरत औरत अपने घर को संभाल देगी, अपने बच्चों का बाप और सास का बेटा बनेगी। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए साहब, मुझे मेहनत की कमाई चाहिए, भीख नहीं। उस दिन भावना ने अपने पति के साथ साथ अपनी खुशियों का भी त्याग कर दिया। उसने जो कहा वो कर दिखाया। हमारी माँ सामने जिंदगी की बड़ी बड़ी जंग खुद लड़ी है और छोटी मोटी चीजों से डरती नहीं है, इन छोटी मोटी मुश्किलों का आराम से सामना कर सकती है। गवार कहा था हमारी माँ साहब को आपने, अरे सबसे बड़े तो गवार आप है जो हमारी माँ साहब को समझ ही नहीं पाए जिंदगी भर। अगर आप माँ साहब को पहचान लेते ना, हमारे परिवार के साथ होते, माँ साहब के साथ होते। खैर आप माँ साहब को तो नहीं पहचान पाए, लेकिन आपने हमें बिल्कुल सही समझा है, हम हमारी माँ साहब की सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहते हैं, और हम जानते हैं इन पेपर्स में हमारी माँ साहब की भलाई नहीं है, इसलिए